मारुति सुजुकी ने रिकॉल किए अपने 17,000 से भी ज्यादा व्हीकल फिक्स फॉल्टी एयरबैग कंट्रोलर के कारण। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमेशा हम अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्हीकल्स को लेकर पिछले 2 महीने में मारुति सुजुकी की ये दूसरी बड़ी रिकॉल है। कार मेकर्स एडवाइस कर रहे हैं कार के ओनर्स को कि जब तक कार के अफेक्टेड पार्ट को बदल नहीं दिया जाता, जब तक कार ड्राइव ना करें। टोटल 17,362 यूनिट्स को वापस मंगवाया गया है। अफेक्टेड मॉडल्स में अल्टो K10, एस्प्रेसो, इको, ब्रीजा, बलिनो एंड ग्रैंड विटारा व्हीकल्स हैं। जो सस्पेक्टेड फॉल्ट्स हैं वो इन मॉडल्स के एयरबैग कंट्रोलर में हैं। कार क्रैश होने के टाइम पर हो सकता है एयरबैग और सीट बेल्ट प्रीटेंशनर प्रॉपर वे में वर्क ना कर पाए। मारुति कार्स के ओनर्स को कार की इंस्पेक्शन के लिए कॉल भी करेगी। मारुति के 17 मॉडल्स में से 6 मॉडल्स को रिकॉल किया जा रहा है ड्यू टू सस्पेक्टेड डिफेक्ट इन द एयरबैग कंट्रोलर। 17,362 यूनिट्स रिकॉल्ड कर लिए गए हैं। वो कार हैं अल्टो K10, एस्प्रेसो, इको, ब्रीजा, बलिनो एंड ग्रैंड विटारा, जो कि मैन्युफैक्चर हुए थे दिसंबर 8, 2022 से जैन 12, 2023 तक। उति द्वारा कार्स के ओनर्स को कॉल करके उनके व्हीकल की इंस्पेक्शन की जाएगी और अगर कोई प्रॉब्लम या फॉल्ट कार में नजर आता है तो कार मेकर इसे फिक्स या पार्ट को रिप्लेस भी करेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। गाइस, क्या आप जानते हैं कि एयरबैग कंट्रोलर क्या है? जी हाँ, जरूर बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक एयरबैग कंट्रोलर या एयरबैग कंट्रोलर मॉड्यूल एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि आपकी कार में कई सेंसरों से डेटा लेता है और कार क्रैश के दौरान एयरबैग डिप्लॉयमेंट में हेल्प करता है। अगर यह डिवाइस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपकी कार के एयरबैग्स जरूरत पड़ने पर खुल ना पाए। गाइस, अगर इस कार में से आपके पास कोई भी कार है और आपको कार मेकर की तरफ से कॉल आती है तो आपसे यही एडवाइस है कि आप अपनी कार की इंस्पेक्शन करवा लें, क्योंकि ये मारुति की दूसरी बड़ी रिकॉल है जो लास्ट 2 मंथ में दोबारा हुई है। ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।